अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इसका एंगल सही कर दूंगा, एक मिनट। ये चीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। आज अनबॉक्सिंग वीडियो, जो दराज से पार्सल्स मंगवाए थे वो आ गए सारे। सबसे पहले वो हीटर जो आपको नजर आ रहा है, मैंने मंगवाया था फैन हीटर, जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था वकास के। दूसरा हीटर भी था, दूसरा हीटर नहीं था, वो ये वाला हीटर था जो मैंने इस दफा मंगवाया। ये जो हीटर है ये 300 वाट का, जो फैन वाला हीटर था वो 2000 वाट का था। मतलब उसको यूज करने से बिजली का बिल ज्यादा आता है। ये सारा दिन भी चलता रहे तो बिजली का बिल नहीं आता। अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो इसको ऑन किया है, तो वीडियो शूट कर रही हूँ। अच्छा, ये जो हीटर है मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ कि ये क्या चीज है। ये देखें, क्यूट सा हीटर है एक। और ये देख लें, ये इस तरीके से फोल्ड हो जाता है दोनों तरफ। ऊपर करना चाहो, साइड पे करना, जैसे करना चाहो हो जाता है। इसके ये 300 वॉट की सेटिंग है, और फिर ये बंद होने की, और फिर ये 600 वॉट की सेटिंग है, ठीक है। इसके पीछे ये जो प्लेट लगी हुई है ना, इसको बोलते हैं सन हीटर। और इसकी वजह से ये पूरे कमरे को गर्म करता है। इट इज लाइक जैसे डिश होता है वैसा। और आगे इसके रॉड लगा हुआ है, वो गर्म होता है, और उससे पूरा इसकी प्लेट गर्म होती है, पूरा कमरा गर्म हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा हीटर है। जब से ये वाला हीटर आया है ना, मैंने फैन हीटर यूज नहीं किया, मैं इसी को यूज कर रही हूँ। आप लोगों के लिए लिंक लगा दूंगी, आप लोग ऑर्डर कर लेना, ठीक है। ओके जी, तो हीटर जो है मैंने वापस मंगा लिया है। इसके बाद मैंने इस दफा बहुत छोटी छोटी चीजें मंगवाई है, कुछ चीजें मंगवाई हैं बड़ी, और मैंने कुछ चीजें अभी तक खोली नहीं थी आप लोगों को दिखाने के लिए। पावर बैंक मंगवाया है, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है पावर बैंक की। मेरे पास एक भी नहीं है। जब मैं कराची इवेंट पे गई थी, मेरा चार्जर खराब हो गया था फ्लाइट के अंदर, पानी चला गया था बैग के अंदर मेरे, और वो पूरा चार्जर खराब हो गया था आईफोन का। और आईफोन में किसी का लगता भी नहीं है चार्जर, और सबके पास पावर बैंक पे थे, मेरे पास था ही नहीं। और मैं आपको पता है व्लॉग भी नहीं बना सकी थी, दावत का, भाई के घर का, सी व्यू का, कहीं का भी, क्योंकि मोबाइल बंद हो गए थे। सो मैंने इसलिए मैंने तब से सोचा था कि पावर बैंक ऑर्डर करूंगी, तो मैंने इस जगह पावर बैंक ऑर्डर किया था। और ये आगे, और ये 20,000 mAh का है, ये देखें। और ये इतना अच्छा है। साथ में मुझे जो है इसके एक लीड आई थी सी टाइप, जो कि मेरे आईफोन 15 पे भी लग जाती है, और एक छोटी लीड भी आई थी। ये तो चले यूज नहीं होगी, बट सी अच्छा, ये अंदर से इस तरीके का है। और इसके रिव्यू सबसे ज्यादा अच्छे थे, ये देखें, ये लीड इसके साथ आई है एक सी टाइप, और इसके रिव्यू सबसे ज्यादा अच्छे थे, सबसे ज्यादा अच्छे रिव्यूज थे इसके। और ये इतना क्यूट है, इसके अंदर टॉर्च भी है। और जब इसमें आप इसको ये देखें, यहां से ऑन होता है, ये ऑन हो गया, इसके टॉर्च वगैरह भी है इसके अंदर, देखिए कितना प्यारा है ये। और मैंने इसकी शॉपर भी निकाली थी, अभी उतारते हैं। वाओ, कितना खूबसूरत है यार, ये बहुत ज्यादा प्यारा है। अच्छा, यहाँ पे इसकी चार्जिंग भी शो होती है कि कितने परसेंट चार्ज है, देखने सारा यहाँ पे शो होता है। और ये सबसे अच्छा था, और मैंने इसको भी लगा के मोबाइल भी चार्ज करके दिखाती हूँ। टॉर्च वो ऑफ कर दिया, मतलब अंधेरे में अगर कभी आपको टॉर्च की जरूरत हो। अच्छा, इसकी टॉर्च छोड़े, इसको आप ना ऐसे यूज भी कर सकते हो, लाइक जैसे रिंग लाइट के तौर पर भी यूज कर सकते हो। ये देखो, इसकी इतनी तेज हो जाती है ये जो लाइट है, ये देखें कितनी प्यारी फेस पे रोशनी आ रही है। कोई तस्वीर तस्वीर खींचनी हो, रोशनी ना हो, तो इसको ऑन करके आप तस्वीर खींच सकते हो। इसको मैं ज़रा दोबारा ये देख लें, फुल लाइट ऑन की है मैंने अभी, इसी देखें कितनी तेज आ रही है। माओ, फौरन से जी चार्जिंग पे लग गया, और फास्ट चार्जिंग कर रहा है ये। क्योंकि ना आईफोन का ये इशू है कि अगर आपने अच्छे वाली चार्जिंग लीड या चार्जर या जिसको अपना होता वो नहीं लगाता, तो ये वार्निंग देना शुरू कर देता है कि बैटरी खराब हो जाएगी, या चार्जिंग हटाएं, या दूसरी लगाएं ऐसे। सो बेस्ट 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 ये हमारा वो है पावर बैंक। जिसने लेना है, जो अच्छा पावर बैंक ढूंढ रहे हैं, इसको ले लें, हाईली रिकमेंडेड है ये। इसके रिव्यूज भी देखे थे मैंने बहुत ज्यादा टेक वाले चैनल के ऊपर, तो सब यही रिकमेंड करते हैं। 20,000 mAh का है ये। ये ना मैंने उसी पेज से मंगवाया है जिस पेज से ना मैंने पहले वो मंगवाया था चार्जर आईफोन का, बहुत अच्छा निकला था मेरा जेन्युइन, तो मैंने उसी से मंगवाया है। जो हर चीज 600 रुपए, हर माल 699 रुपए में मंगवाया मैंने। ये वॉशरूम के कम्बोर्ड पर लगाने के लिए, एक वॉशरूम में मैंने लगा दिया है। ये वॉशरूम का जो कम्बोर्ड होता है ना, ढक्कन खोल के दूसरा वाला एरिया होता है, आपको पता है कि सर्दी में उसमें बैठो बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है, तो ये उसके लिए, इसको आप खोलो ऐसे, ये बहुत ही प्यारा वॉर्म बना हुआ है। इसमें प्लास्टिक वाला भी आता है, वो आपने नहीं मंगवाना, क्योंकि उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है, वो प्लास्टिक भी ठंडा हो जाता है सर्दी से, तो ये ठंडा नहीं होता। और इसको उस पर लगा के आप बैठोगे तो आपको ठंड फील नहीं होगी, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस पर इतना क्यूट सा टेडी बेयर भी बना हुआ है, ये देखें, जिससे आप ना उतारना हो, आप धोने के लिए तो उतार सकते हो, वॉशअप भी लाइए। और ये मैंने सारे वॉशरूम में, हमारे 4 वॉशरूम में कम्बोर्ड है और एक में इंडियन सीट है, तो ये मैंने चारों के लिए मंगवाए हैं। 699 रुपये का एक था ये, और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, आपको नजर भी आ रहा होगा, करीब से भी दिखा देती हूँ मैं आपको, बहुत ही प्यारे और बहुत अच्छी क्वालिटी के आए हैं ये। सो जिन लोगों घर में कम्बोर्ड है और उनको भी वॉशरूम में जाकर ठंड लगती है, तो वो इसको जरूर मंगवाएं, यूज करें। आप लोग दुआएं देंगे मुझे काफी, आपने कितनी अच्छी चीज मंगाई है। ये मैंने अपने लिए मंगवाया है, ये भी 699 वाले से मंगवाया है। इसका क्या है कि इसमें आप पानी भर के टोनर, कोई भी चीज या रेमेडी आप बनाते हो, इसको अपने फेस पर लगाना होता है, टी ट्री, रोज, कुछ भी। बंद किया, यहां से इसमें पानी भरा,
अच्छे से बंद करके इसको रख दिया फ्रीजर में, और जब ये फ्रीज हो जाएगा उसके बाद जब आप इसको खोलोगे यू तो यहाँ पे वो बर्फ जमी होती है। इससे आप यूं यूं करके पूरे फेस का जो है वो मसाज कर सकते हो। जो लोग रेमेडीज वगैरह यूज करते हैं उनके लिए है, सो इसको जरूर आप लोगों ने ट्राई करना है, बहुत अच्छा। और सिर्फ 699 रुपए का, मतलब ये फेस के पोर्स वगैरह नीट करने में, टाइटन करने में बहुत ज्यादा काम आता है। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी जो मैंने खुद खोली भी नहीं है अभी, ये आगे। अच्छा, ये मैंने मंगवाया था स्टैंड, ये शीशे वाला स्टैंड है, रेक पे रखना हो या वॉशरूम में कहीं रखना हो तो उसके लिए। इसको अभी खोलती हूँ आपके सामने, इसको असेंबल करती हूँ। इसकी जो नीचे वाली चीज है ना, ओके, तो ये इस अच्छा ये ऐसे आया हमारे पास, इस तरीके से यूज होता है। इसको आप शीशे पे, काउंटर पे, किचन में, या आपने वैनिटी पे कोई वीडियो शूट करनी है, कोई फेशियल की या किसी स्किन केयर की, आप इसको वहां रखकर इसको शूट कर सकते हो। वर्टिकल भी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, आपके ऐसे हॉरिजॉन्टल भी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, तो इसलिए मुझे चाहिए था, तो फिर मैंने ये इसलिए ऑर्डर किया है। सो ये बड़े काम की चीज है, किसी को अगर चाहिए, कोई वीडियोग्राफी वगैरह करता है तो वो इसको ऑर्डर कर सकता है। मैंने आपको दिखाया था ना अभी कपड़ा सा, वो इस तरीके से चढ़ता है, देखें ऐसे। इसमें वो कहाँ से मंगवाई थी, अपनी दराज से टेप, क्योंकि वो पैकिंग करते हैं तो दराज से रीजनेबल मिल जाती है। तो दो तीन मंगवाई थी, तो ये एक अभी मेरे पास पड़ी हुई है, बाकी सारी तो उन्होंने ऊपर ले गए, वो जहाँ पर उनका सामान होता है सारा, जहाँ पर वो यूज करते हैं। ओके, ये मंगवाई थी गम। ओके, ये ना कहीं पे अगर कोई लीकेज वगैरह हो ना, तो ये उसके लिए ग्लू है, ये नहीं कि इसको घोल के आप लगा लो उस जगह पे तो वो बिल्कुल सील हो जाती है वो जगह, तो ये उस पर्पज के लिए दराज से मंगवाई। दराज की सबसे अच्छी बात ये लगती है, दराज पे दुनिया की हर चीज मिल जाती है, जो भी आपको चाहिए हो और जो कहीं से नहीं मिल रही होती, मतलब बाहर से भी अगर दराज शिप करवा के दे तो आपको दे देता है वो चीज मंगवा के। अच्छा, ये मैंने ना अपने आईफोन के लिए मंगवाए, क्यूट क्यूट से ना उसके उसका कवर है आईफोन का, और उसकी लीड को लपेटने के लिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या चीज है। ये इस तरीके से है, अब ये इसको फुर्सत में बैठ के लगाऊंगी। ये उसकी सारी उस पर लिपटेगी जो उसकी लीड है, और ये जो है स्टिकर्स पे चिपकाने के लिए कुछ होंगे, और ये 699 वाली सेल से ना मेरे बच्चों के लिए क्लिप्स मंगवाए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने प्यार हैं, ये है ना, और भी हैं बहुत प्यारे प्यारे, ढेर सारे क्लिप्स हैं ये, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अंदर है, किसी के ऊपर कुछ बना हुआ है, किसी के अंदर कुछ बना हुआ है, और बहुत सारे हैं ये देखें। ना निकालने के लिए मैंने अभी भी कितनी पड़ी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4 8 ये कितनी थी, 9 10 11 12 13 14 15 16 है ये, और 16 क्लिप्स इतनी खूबसूरत 699 रुपए की, बड़े साइज की, आपको साइज भी नजर आ रहा होगा कि कितना प्यारा जो है वो इसका साइज है। 699 वाली सेल में से ही ना मैंने ये मंगवाया था एयरपोर्ट्स, जो कि काफी लोगों ने बोला था कि आप ये वाले एयरपोर्ट्स ट्राई करो, और यार ये इतने अच्छे आए, मैं कितने दिन से इसकी वीडियो नहीं बना रही थी कि चेक कर लूं अच्छे से, फिर यूज करेंगे, मेरे आईफोन के साथ कनेक्ट हो गए, इसके साथ ही लटकाने के लिए डोरी भी आई है, और ये भी इतनी अच्छी क्वालिटी में बनी हुई है, आप इसको ऐसे कहीं जाना आप इसको पहन सकते हो, उसको हाथ में पहन सकते हो, आप उसको किसी हैंडबैग के साथ इसको बांध सकते हो। और सबसे अच्छी चीज देखो आपकी, देखो ये मैग्नेटिक है, ये ऐसे मजे की चीज, देखा कितने आला है यार, इसकी यहाँ पे बताता भी है कि कितने परसेंट चार्ज हो गया, वरना अच्छे से अच्छा भी एयरपोर्ट से बताता नहीं कितने परसेंट चार्ज है, सो ये बताता है कितने परसेंट चार्ज हो गया, जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो ये रेड लाइट जला देता है कि अभी फुल चार्ज हो गया और हटा दो इसको, और इसके ऊपर लिखा हुआ था ओके फुल चार्ज, इस तरह से करके लिखा हुआ था, और ये बहुत काम का है। और मुझे सेल में 699 रुपए का मिला था, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इतना सस्ता कैसे मिल गया। और ये डब्बा था इसका Pro T8 इसका नाम है, साथ में जो एक्स्ट्रा आते हैं ना वो कानों में लगाने वाले जिसके बर्ड्स होते हैं वो भी आए, सो किसी ने लेना है तो बाय कर सकते हैं, रिकमेंडेड है, बहुत बहुत अच्छा म्यूजिक आता है, हर चीज क्वालिटी सी A1। ये हीटिंग पैड अगेन मंगवाया था मैंने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा है क्वालिटी वाइज भी, हर चीज में इसकी जो ये वाली चीज है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, आपको नजर आ रहा होगा, पीरियड्स हो आपको, शाटिका का पेन हो, कमर में पेन है, थाइज में पेन है, जोड़ों में कहीं भी पेन है, बस इसको यहाँ पे स्विच लगाओ, इसका पानी भरो इसके अंदर, स्विच लगाओ और कुछ सेकंड में ये गर्म हो जाता है, और उसके बाद आप इसको 1 घंटा यूज कर सकते हो, इतनी देर ही गर्म रहता है, वार्म रहता है, इसमें हाथ डाल सकते हो आप, पेट पर रखो, नलों में, कहीं पे भी आप दर्द है बैक में, शोल्डर में, उसको उस जगह पे यूज कर सकते हो, बहुत इजी टू यूज और ये बहुत रीजनेबल है। ओके, उसके बाद मैंने कुछ डेकोरेशन की चीजें मंगवाई थी, मैंने छोटी छोटी चीजें मंगवाई, मैंने बताया है ना आपको, ये कैंडल लैम्प है बहुत ही प्यारा, मैं आपको दिखाती हूँ, और ये सिर्फ 699 कुछ का था, यहाँ पे आप छोटी सी कैंडल रख सकते हो क्यूट सी, और आप देख लें कितना खूबसूरत है, जो हमने नीचे मीडियम वॉल बनवाया हुआ नहीं, मैंने उसके लिए मंगवाया था।
कैंडल नहीं रखना चाहते तो वो जो सेल वाली नहीं मिलती कैंडल छोटी सी व्हाइट कलर की, आप वो भी रख सकते हो, वो भी इसमें बहुत खूबसूरत लगेंगी। और ये जिस तरीके का नजर आ रहा है ना, क्वालिटी फिनिशिंग ये एज इट इज ही है, बहुत ही ज्यादा प्यारा बना हुआ है, बहुत प्यारा। ये वाली शीट जो कि बहुत ज्यादा वायरल है, ये फाइनली मुझे एक पेज से मिली गई। वो जो चिपकने वाली शीट्स होती है डाइनिंग टेबल पे, अपने किचन के काउंटर पे लगानी है, फ्रिज पे लगानी है, सेम वैसी है। ये एडहेसिव है, इसको आपने हल्का सा वो सोप वाला पानी जो होता है डिश लिक्विड वाला पानी वो स्प्रे किया, उसके बाद आपने इसको लगाया, उसको स्प्रे किए बगैर भी लगा सकते हो। ये देखें इस तरीके से, ये और ये वहां पे चिपक जाती है, ये नजर आ रहा है ऐसे किधर जा रहे हो। और ये मैंने मंगवाई है 3x6 के साइज की। और भाई मैंने एक क्यूट सा एक हेयर बैंड मंगवाया था और ये भी आया था 699 रुपए का ही, ये भी मैंने सेल से मंगवाया था। आप देख लो यार ये कितना ज्यादा खूबसूरत है, आपको करीब से दिखा रही हूँ, देख करें ये देखें बहुत प्यारा। मैंने वो जो शॉल वाली वीडियो की थी मैंने उसमें भी पहना था। आजकल ये इतनी ज्यादा वायरल है ना ये वाली हेयर एक्सेसरीज, एक सैलून है जिसका नाम मतलब बहुत ही फेमस, वो इतनी ब्राइड्स को रेडी करता है, उनको इस तरह की हेयर एक्सेसरीज लगाता है, उनसे खरीदो वो इतनी महंगी महंगी देते हैं ना, आप देख लें कितनी प्यारी लग रही है ना। मैंने इसको इस तरीके से करके ना अपने बालों को इस पर लपेट लिया था और बहुत क्लास का लग रहा था उस लुक के अंदर। मैं पिक्चर हुई तो मैं यहाँ लगा दूंगी, आप देख लेना। ये भी 699 रुपए का था और तस्वीर से छुपा कर रखा हुआ, मैंने तस्वीर के लिए मंगवाया था, पर मैंने कहा चलो मेकअप लुक में भी यूज जाएगा। और इसके अंदर और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स थे, सिर्फ यही स्टाइल नहीं था और भी स्टाइल थे। अगर आप वो वाला लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। मुझे ये पसंद आया था, ये देख लें आपके सामने कितना खूबसूरत है, पहन के इसलिए दिखा रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस दौरान मैंने छोटी छोटी चीजें ज्यादा मंगवाई थी। ये मैंने आईफोन का कवर मंगवाया था, ये मेरे आईफोन का कवर क्योंकि बच्चों ने तोड़ दिया है, सो ये क्यूट सा मैंने आईफोन का कवर मंगवाया था, आप देखने कितना प्यारा लग रहा है। ये मैंने तीन मंगवाए थे, दो मेरे कैंसिल हो गए थे खुद ब खुद ही, तो उनकी पेमेंट रिफंड हो गई थी मेरे अकाउंट में। आई थिंक एक ही मुझे रिसीव हुआ है सिर्फ, बाकी भी दोनों मुझे रिसीव हुआ है। इसमें क्या है, अच्छा ये मैंने ना किचन के बोर्ड्स के लिए मंगवाए हैं, ये एक मैंने लगाया हुआ है ऑलरेडी, किसी ने ब्लॉग में नोटिस किया हो तो बताना। किचन के बोर्ड्स के ऊपर नीचे चिपक जाते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं ये, और पता चलता है ये किचन है क्योंकि इसमें बेलन चिमटा बीटर सारा कुछ है इसके अंदर। और ये है तो 60-65 कितने रुपए के थे, तो फिर मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने मंगवा लिया। बता मुझे ऐसे यूनिक यूनिक चीजें काफी अच्छी लगती है, तो किसी ने मंगवानी हो अपने लिए तो मंगवा सकते हैं। ये लिंट रूम वाला मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था और यही मैंने 699 की सेल में मंगवाया था और अभी तक भी मेरा ये बिल्कुल सही चल रहा है। किसी ने लेना हो तो ये ले सकते हैं, जो कपड़ों पे बुरा जाती है ना सर्दियों में या नए कपड़ों पे बुरा जाती है, पूरा ड्रेस खराब हो जाता है आपका, तो ये जो लिंट रिमूवर है वो उस ड्रेस को नया करने में आपकी मदद करता है। फिर है जी ये वाली चीज, ये ना वाइब्रेटिंग मसाज मशीन है, बहुत ही खूबसूरत। और ये मैंने 699 की, क्योंकि ना 699 वाली डील में ना तीन चार ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि 699 का, 899 का, 1100 का, ऊपर प्राइसेस लिखी होती हैं, तो ये उसी में से मंगवाई है। आई ये इतने की, ये 600 800 की, मुझे प्राइस कंफर्म याद नहीं है। इसमें पीछे यहाँ पे सेल डलते हैं दो छोटे बारीक, उसके बाद ये इतना प्यारा वाइब्रेट करती है। कल मैंने इसको यूज किया था कि आप इसको ये जॉ लाइन वाइब्रेशन के लिए यूज कर सकते हो, अगर इसको बनाया भी इस तरीके से गया कि आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो फेस को लिफ्ट अप करने के लिए। ये मुझे सन चीजें काफी अच्छी लगती है और मैं इस चीजें मंगवाती रहती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। देख लें इस तरीके से जो है ये यू करके आप इसको यूज कर सकते हो और ये फुल ऐसे वाइब्रेट करती है, बहुत ही प्यारा और इसके बहुत ही आला रिजल्ट है। किसी ने लेनी है तो जरूर लें, रिकमेंडेड है। रीजनेबल भी बहुत ज्यादा है, ये हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। अच्छा भाई उसके बाद मंगवाया था मैंने ये बहुत काम की चीज है, ये अब मुझे इसकी प्राइस याद नहीं, मैंने 1100 का मंगवाया कितने का मंगवाया, ये जो ऑर्डर वाले डिटेल होगी उसमें चेक कर लेना। इससे मैंने कल अपनी सारी खिड़कियां साफ करी हैं, इसकी सक्शन पावर इतनी ज्यादा अच्छी है। ये इसकी मशीन है, मैंने पूरा सैंपल कर लिया था, इसके अंदर ये जाली लगी होती है जिसमें कचरा फंस जाता था, उसको आप साफ कर लो निकाल के, और ये इस तरीके से जो है इसके आगे लग जाता है ये। मतलब मुझे लगा था छोटी सी मशीन है तो इसकी पावर इतनी नहीं होगी, लेकिन बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, पूरा जो आपका मार्बल है ना उसकी शक्ल निकल आती है। मैंने बेसमेंट की सफाई की थी तो मैंने इसको वहां पे यूज किया था और ये इसने इतना अच्छा काम किया ना कि मैं तो हैरान हो गई देख के, यार ये इतना अच्छा काम कर रहा है, ऐसा लगता है ये देखें। इसके यहाँ पे जो है वो इतनी बारीक बनाया हुआ है कि जो खिड़कियों के अंदर वाली जगह होती है उनको भी अच्छे से साफ कर देता है। सीढ़ियों के कॉर्नर्स हैं, कोई भी ऐसी जगह है जो साफ नहीं हो रही, गाड़ी तो ये अच्छे से साफ कर देता है। बहुत ही अच्छी गन है ये, वैक्यूम गन, आप इसको बाय कर सकते हो। दूसरी अच्छी चीज इसकी ये है कि ये चार्जिंग वाली है, सी टाइप है, ये आपके पास नहीं भी है चार्जिंग तो आपने
चार्जर से भी इसको चार्ज कर सकते हो, सर इसके ब्रशेस वगैरह भी आते हैं क्लीन करने के लिए जगहों को, तो वो भी है साथ में। सबसे छोटी नोजल भी इसकी आई है, जिससे कोई छोटी जगह जहां से सक नहीं हो रहा है वहां पे भी सक कर लेती है। एक ये वाला भी इसका वो है, तो साथ में मैनुअल बुक भी आती है इसकी। मतलब ये बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की भाई। जो खिड़कियां साफ करके थक गए वो एक दफा इसको जरूर ट्राई करें। इसके अंदर है मेरा एक और आईफोन का चार्जर, भी आईफोन वाला चार्जर ही है, क्यूट सा है, एस्ट्रोनॉट बना हुआ है इसके ऊपर। आईफोन में चढ़ाओ या जिस भी चार्जर के लिए आप मंगवा रहे चढ़ाओ, यूज करो इसके जो वायर है तो ये चढ़ा दो और क्यूट सा जो आपका चार्जर तैयार हो जाता है। किचन की जो वो है ना क्या बोलते हैं, इस तरीके के जो किचन के वो नीचे लगे हुए है ना क्या बोलते हैं यार, स्कर्टिंग, ये मैंने उसके ऊपर लगाना था डिजाइन देने के लिए कि इस तरीके से शाइन करेगा, तो ये मैंने उसके लिए मंगवाया था। मैंने अभी तक लगाया नहीं है और गन कितने का आया था मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत अच्छा है। फिर है यार, ये मैंने इतना खूबसूरत डेकोरेशन पीस मंगवाया था और ये मुझे टूटा हुआ है। अगर ये टूटा हुआ ना आया था ना फिर मैं इसको कहीं ना कहीं लगाती, बट अच्छा इसके पीसेस भी नहीं थे ना, अगर इसके पीसेस होते तो मैं चलो चिपका लेती, पीसेस भी नहीं थे इसके अंदर इसके, मतलब मुझे लगता है सेलर ने डाला ही टूटा हुआ था। बट खैर दराज से सबसे अच्छी बात यह है कि दराज के ऊपर चीजें रिटर्न हो जाती हैं इस तरीके से। ये वाला पीस भी नहीं है इसका, मैं इसको चिपका लूं, और दूसरा पीस भी नहीं है, और ये भी 699 का कुछ का आया था बट बहुत प्यारा था यार। इसमें ना तीन बने हुए, मुझे कहते ना गांधी जी ने कहा है बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, वाले तीनों बने हुए इसके ऊपर। और ये बहुत क्यूट मटेरियल का बना हुआ है, ये सेरामिक्स टाइप कुछ, इसे तस्वीर ले लूं। मैं वापस डालूंगी डब्बे के अंदर और इसको हम कर देंगे रिटर्न और हमारे पैसे आ जाएंगे हमारे अकाउंट में वापस। सीलर है ये और इसके अंदर भी सेल डलते हैं इस जगह पे, जब आप कोई लेस वगैरह खाते हो, कोई नीमको वगैरह खाते हो तो उसमें हवा चली जाती है, तो उसके बाद उसको सील कर सकते हो। इसको मैंने यूज किया हुआ है, ये बहुत अच्छा है। ये मैंने 699 वाली से 399 का लिया था या 299 का, इतने का लिया था मैंने ये, और ये बहुत वर्क करता है यार। लेस का पैकेट सील करना, नीमको का पैकेट सील करना, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप चाह रहे हो कि इसमें हवा ना लगे और ये खराब ना हो, तो आप उसके लिए इसको यूज कर सकते हो। ये उसको पूरा सील कर देता है इस तरीके से। सीढ़ियों पर लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ये। मैंने कहा मैं थोड़ी सी मंगवा के देख लेती हूँ, अगर अच्छी निकली तो और मंगवा लूंगा। उसका साइज देख लो कितना ज्यादा बड़ा है। मैंने सीढ़ियों पर ना एक डिजाइन निकाला था जो मैंने बनवाया था, सीढ़ियों वाली वॉल पता आपको सिंपल अच्छी नहीं लगती, तो ये मैंने उसके लिए मंगवाई, तो ये काफी खूबसूरत निकली। मैं ये और मंगवाऊंगी, पर मैंने थोड़ी सी मंगवाई थी कि अच्छी निकली तो और मंगवा लेंगे, और आप देख लें कितनी प्यारी निकली है। मैंने ये भी मंगवाया था मच्छरों वाला, पता नहीं मच्छर इसे मरेंगे कि नहीं मरेंगे, शोर बहुत करता है। टूटा हुआ रिसीव हुआ, पंखा लगा हुआ है इसके अंदर, तस्वीर में ऐसे दिखाते हैं ये न्यू टेक पता नहीं LED पर्पल लाइट वे मॉस्क्यूटो किलिंग, लेकिन निकलता ही है। पंखा लगा के भेजा हुआ अंदर, मच्छर जाएगा पंखे के पास, अपने पर कटवाएगा, उसके अंदर गिरता है। मजाक ही था ये बस लिटरली यार, मेरे तो पैसे बहुत वेस्ट होते हैं दराज पे, बहुत ज्यादा बकवास प्रोडक्ट, रिटर्न करते हैं इसको भी। फिर मैंने मंगवाया था मेकअप का सामान, जो सब बोल रहे थे कि अफोर्डेबल मेकअप शेयर कर दें। मैंने मंगवाया था अपटाउन LA का सामान, जिसकी काफ़ी चीज़ अच्छी निकली थी, काफ़ी नहीं अच्छी निकली, और वो अच्छी जगह जगह निकली थी। उसमें इनके इल्यूमिनेटर थे जो अच्छे थे, दो कलर के थे, एक पिंक और एक सिल्वर। फिक्सिंग स्प्रे अच्छा था इनका, इसके अलावा जो अच्छी नई थी चीज़ वो था इनका हाइलुरोनिक एसिड सीरम, ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। एक तो कलर ऐड किया हुआ था इसके अंदर, और पूरे मुंह पे इसने मेरे ये मोटे मोटे दाने निकाल दिए थे, जो कि अभी मैंने कल फेशियल लिया जाए खत्म हुए। बाकी लाइनर अच्छा था इसका, क्योंकि बहुत रीजनेबल था और बहुत अच्छा था इसका। अच्छा आईब्रो पेंसिल भी अच्छी थी इसकी, आईब्रो पेंसिल और लाइनर, ये दो चीज़ें इसकी अच्छी थी, सस्ती थी और बहुत अच्छी थी। आईब्रो पेंसिल की एक तरफ स्पूरी लगा हुआ था, एक तरफ इसका कलर था, और इसका लाइनर भी यही नहीं होगा, वो भी अच्छा था इसका। जो चीज़ अच्छी नहीं थी वो मैंने बता दी थी, बेकिंग पाउडर ज़्यादा नहीं लगाना, ये फेस के ऊपर जम जाता है, और लाइनर इसका ये है, मुझे इसका लाइनर अच्छा लगा था, ये देखें इस तरीके से जो आप इसे लाइनर लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक नहीं है बट अच्छा लाइनर है ये। बाकी सीरम बिल्कुल नहीं अच्छा था इसका। और इसके अलावा कल वकास ने, जो मैंने आपको बताया था, वकास ने अपना फेशियल का ब्रांड लॉन्च किया है, तो कल मैंने वो फेशियल लिया था। अगर आप लोग परेशान हो रहे हो कि फेस इतना कैसे चमक रहा है, तो वो उस फेशियल से चमक रहा है, और वो बगैर ब्लीच के फेशियल है, और फिर भी उसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं। ये मेरे मुंह पे ना इस अपटाउन LA की वजह से इस तरह के मोटे मोटे दाने ये यहाँ पे फुल फेस पे निकले थे। अब देख ले फेशियल के बाद सारे दाने बैठ गए। ये वाला दाना कल इतना मोटा था, वीडियो के अंदर देख लेना, प्रॉपर इसे बात कर रही थी तो यहाँ पे इतना मोटा नजर आ रहा था, और ये पूरी जगह सूज गई थी, इतना गंदा दाना निकला था। तो फेशियल का नाम है डर्मा टच, वकास का ब्रांड है, बस सारी उसकी जो फॉर्मुलेशन है, इंग्रेडिएंट्स है, हर चीज मैंने बनवाई है उसकी,
और बहुत दिल से बनाया आप लोगों के लिए, आप लोग यूज करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, जिस सबसे बेस्ट थी ना कि इससे बेस्ट नहीं हो सकता था क्वालिटी वाइज और इंग्रेडिएंट्स वाइज, उस तरह का फेशियल बनाया है। उसकी डिटेल वीडियो जो थी मैंने कल अपने मेन चैनल पे शेयर कर दी थी, उसका लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का, आप लोग जाकर देखना और आप लोगों को अच्छा लगे तो बाय करना। कोड भी लगवा दिया आप लोगों के लिए 300 ऑफर सबके लिए, उसमें गिफ्ट भी होगा, स्किन केयर ही होगी, कोई गंदी चीज नहीं भेजती हूँ। मतलब मैं कहती हूँ कि अगर किसी को चीज भेजो तो वो भेजो जो आप अपने लिए पसंद करते हो। सो ये मेरी आज की वीडियो थी दराज की। दराज के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी डिस्काउंटेड प्राइस वाले, उन्हीं पे क्लिक करोगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगी और उनसे क्लिक करके लोगे तो ऑथेंटिक चीज आएगी। अपनी मर्जी से कहीं से भी जाकर लोगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। जो चीज मैं शेयर करती हूँ ना, अगर वो खराब है टूटी हुई है तो मेरी जिम्मेदारी होती है, अपनी मर्जी से जाकर लेता हूँ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसके अलावा मैंने दराज के ऊपर जितनी भी चीजें बाय करती हूँ, अपने पैसे लगाती हूँ हर मंथ आप लोगों को रिव्यू देने के लिए, क्योंकि दराज के ऊपर सारे पाकिस्तानी सेलर है और उनका सपोर्ट जाता है, फिर वो इतना थैंक यू बोलते हैं ईमेल्स में और मैसेजेस में कि आपकी वजह से हमारा काम चल पड़ा। मतलब काफी लोग ना ये भी बोलते हैं कि आपकी वजह से हमारा घर चल रहा है, तो ये बहुत एक बड़ी चीज होती है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ और मैं उनसे बगैर चार्ज दिए इसीलिए दराज से चीजें खरीदती हूँ, प्रमोट कर देती हूँ कि उन लोगों का फायदा हो जाए, आप लोगों का फायदा हो जाए, मेरा भी फायदा हो जाए। सो मैं आप लोगों के लिए लिंक लगा दूंगी उस कलेक्शन का जिसमें जितनी भी चीजें मैंने खरीदी है, चाहे वो फ्रिज है, चाहे वो वॉशिंग मशीन है, हर चीज का लिंक, एयर फ्रायर का लिंक, सब मैंने उस कलेक्शन में ऐड कर दिए, क्योंकि मुझे दराज पे मैंने अगस्त से काम करना स्टार्ट किया था, अगस्त से लेकर अभी तक मैं बहुत ज्यादा चीजें दराज से खरीद चुकी हूँ, उन सबके लिंक्स जो हैं वो एक जगह पे लगाना मुश्किल हो जाता था, तो मैंने वो कलेक्शन में ऐड कर दिए। आप कलेक्शन को फॉलो कर लेना, ठीक है, और कलेक्शन से आप लोग बाय कर लेना। सो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।